ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸੱਚੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਆਪ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਈ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਸੇ ਰਾਮ ਸ਼ਕਤੀ ਸੁਖ ਗਿਆਨ ਸਮੋਜਾ।
विजय कुमार जी ने इनका लालन पोषण किया। माता जी आप बहुत स्ट्रगल करते हुए आप 12 साल की उम्र में काम में लग गए और उसके बाद में आपने खूब मेहनत की। 1968 में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आप अपॉइंट हुए। लगातार मेहनत करते हुए नापा संदूक ऐसे अलग अलग शहरों में काम करते हुए 1984 में आप की ट्रांसफर मंडी गोबिंदगढ़ में आ गए और मंडी गोबिंदगढ़ गुरु की नगरी जिसके कहते हैं यहाँ आपको ऐसा लगा यहीं आके बस गए। यहाँ इनकी आपकी वाइफ थी, उसके बाद में जॉब रही यहीं पर। आप एज असिस्टेंट जेई 2007 में रिटायर हुए और आपका जो स्वभाव था सबके साथ कोऑपरेटिव, आपको सारा शहर जानता है और शुद्ध खान पान ये आपकी विशेषता थी। लेकिन इसके बावजूद भी पीछे कुछ जैसे लिखा होता है कि इस समय तो आपका जैसे खान पान था कोई बीमारी नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन कुछ ऐसी बीमारी लगी, हार्ट का ऑपरेशन भी करवाना पड़ा। लेकिन समय बीता गया लेकिन उन्होंने आपने सेवा करे, लोगों से खास प्रेम था, रोज इन्होंने गौशाला जरूर जाना है ऐसा इनके स्वभाव में था। बच्चे बड़े सुशील, दो बेटे, अपना जो पेरेंटल बेस है उसमें आपके बड़े बेटे संजीव जी उनके साथ ही आप रहते थे, छोटे बेटे सीए सुमन शेखर सुमन ये भी सामाजिक गतिविधियों में अक्सर लगे रहते हैं, भारत विकास परिषद के इस समय प्रेसिडेंट हैं। जब से भारत विकास परिषद युवा विवेकानंद ब्रांच यहाँ पर शुरू हुई उस ब्रांच के आप फाइनेंस सेक्रेटरी थे और इस समय आप भारत विकास परिषद विवेकानंद ब्रांच के प्रेसिडेंट हैं। अनेकों सांसद कमेटी हो और कोई कार्य हो आप निरंतर कार्य में लगे रहते हैं। तो आपके परिवार में आपकी वाइफ श्रीमती इंदिरा देवी जी, उनसे बच्चों को संस्कार मिले, पिताजी से संस्कार मिले तो बच्चे बहुत लायक बने। तो ये अपनी माता का विशेष ध्यान रखेंगे, इसमें कोई ऐसी बात सोचने वाली नहीं है। वैसे दो पहिए जब चलते हैं गाड़ी के तो एक जब निकल जाता है तो दूसरे के लिए बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जब बच्चे अच्छे हों तो शायद ये कभी बच्चे नहीं महसूस होने देंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास। तो एक बार मैं फिर आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और जय जय ओम।